Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School and Sunita Global Secondary School. I am Om Prakash Sutha, your English teacher. You are most welcome to online classes for class 9, 10th and 11th. हम लोग ग्रामर कर रहे थे और ग्रामर में मैंने टेंस आपको पढ़ा दिया था. टेंस वॉज कम्प्लीटेड. आज हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल, या मॉडल वर्ब्स भी आप बोल सकते हो. मॉडल्स एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी है, ट्वेल्थ में. हाँ, थोड़ा सा इजी टू हार्डर, थोड़ा नाइन्थ में इजी होता है, थोड़ा लिमिटेड है. टेंथ में भी लिमिटेड मॉडल्स हैं और इलेवेंथ के अंदर आई थिंक ऑल टुगेदर यू हैव टू रीड, सब कुछ मॉडल्स पढ़ने पड़ते हैं. अब बहुत, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है. चाहे आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, लिखना है, ग्रामर का तो नॉलेज होना नहीं. टेंस में भी आपने काफ़ी, मैंने करीब शायद 9 पीरियड लिए हैं पूरे टेंस के अंदर. काफ़ी थोरो स्टडी, यू कैन डू इट. इतने एग्जांपल हैं, उसके एग्जांपल को देखो. ऐसे मॉडल भी हम करेंगे, आज शुरू करने जा रहे हैं मॉडल्स. मॉडल्स एक्चुअली होते क्या हैं? मॉडल एक्चुअली देखा जाए तो ये जो आप सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, उन्हीं का ही मॉडल वर्ब एक भाग होता है. लेकिन इनका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अब हम तो आगे बात करेंगे कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं. ओके, तो ये जो मॉडल्स होते हैं, दैट इज़ पर्टेनिंग टू. पर्टेनिंग का मतलब इनका संबंध होता है मूड, अपनी मनो इच्छा से, मनो या मानसिक दशा से, कि भाई हम कब को कोई वर्ड, कोई जगह, कोई सेंटेंस बोलना है तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना पड़ता है. तो वहाँ की जो मनोस्थिति होती है, मनोदशा होती है, या मानसिक दशा का को देख करके हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं. तो ये पर्टेनिंग टू मूड ऑफ वर्ब होता है. इसको ये भी हम कह सकते हैं कि मॉडल्स आर नथिंग बट पर्टेनिंग टू मूड ऑफ द वर्ब. ओके, और ये जो मॉडल शब्द है, ये अंग्रेजी में एक मूड शब्द होता है. और मूड भी वैसे, इसका भी हम जो गहराई में जाए, ये भी लैटिन वर्ड से आया. इंग्लिश का जब लैटिन वर्ड, अंग्रेजी भी कोई अपनी गोरों की खुद की भाषा नहीं, इन्होंने भी दुनिया के सभी भाषाओं से शब्द बोरो उधार लिए हैं. सो इन इंग्लिश एक ऐसी लें, हालांकि आज दुनिया में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन इनके खुद के वर्ड भी, वर्ड से ज़्यादा ये कहीं दुनिया से, दूसरी जगह से, दूसरे देशों से लैटिन वर्ड है, रोमन वर्ड है, हिंदी वर्ड है. अपने हिंदी के बहुत से वर्ड भी अंग्रेजी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऑलरेडी घुस चुके हैं. ओके, मॉडल इट कम्स फ्रॉम मूड वर्ड ऑफ इंग्लिश. ओके, मूड मीन्स इमोशन. व्हाट इज इमोशन? मनोस्थिति, आपकी जो मनोस्थिति, इमोशन, भाव क्या है आपके मन में क्या, और स्टेट ऑफ मेंटल और मानसिक स्थिति, दशा क्या है, उसके अनुसार ये मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं. अब जब हम एग्जांपल करें, तो बोर्ड के अंदर आपके 9, 10, 11, 12 के अंदर ये कोई नहीं पूछता व्हाट इज द, यू डिफाइन द मॉडल, कितने प्रकार के होते हैं, ये कोई नहीं पूछता आपको. तो वो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द, विद करेक्ट मॉडल्स. जैसे टेंस में खाली जगह पर, ऐसे इनकी खाली जगह आती है भी, आपको कैन बनना है, कुड बनना है, मे बनना, माइट बनना, शुड, वुड, जो जितने भी 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं, वो आपको थोड़ा उनका आइडिया होना चाहिए. नाइन्थ में छोटे छोटे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, टेंथ में थोड़ा और अधिक, इलेवंथ में थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे. इलेवंथ के बाद कोई ग्रामर नहीं होता है. सो मॉडल्स आर पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो भाग मॉडल्स बोलते हैं, ये सहायक क्रिया का ही एक भाग होता है. इट्स नथिंग बट ये जो क्या होते हैं, सहायक क्रिया का ही भाग होता है. मॉडल्स आर पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. अब इसकी यदि आपको डेफिनेशन कोई पूछे, भाई मॉडल एक्चुअली में थोड़ा डेफिनेशन पता हो तो अच्छी बात है. मॉडल्स वो शब्द होते हैं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, पर्संस, किसी व्यक्ति के, सो एटीट्यूड. व्हाट इज एटीट्यूड? अपना सोस्त दृष्टि, अपना दिखाने के लिए, या इमोशन, या फिर मेंटल स्टेट ऑफ मेंटल, बेसिकली जो किससे रिलेटेड संबंध रखते हैं. कोई आप कमांड देना चाहते हो तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करोगे? किसी से आप रिक्वेस्ट करना है तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करोगे? परमिशन, अनुमति लेना चाहते हो, कहीं पे आपको कोई प्रोबेबिलिटी, संभावना लगती है, या पॉसिबिलिटी, दोनों भी देखो, प्रोबेबिलिटी भी होता है और पॉसिबिलिटी, दोनों का अर्थ भी संभावना सा. लेकिन जब हम इनके एग्जांपल करेंगे तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी आई विल डिफाइन. ओके, ऑब्लिगेशन, आपका दायित्व क्या है? कोई आपको ज़रूरी काम करना होता है तो ऑब्लिगेशन क्या है, आपका ड्यूटी क्या है? तो ऐसे जब कभी भी हम किन चीज़ों को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो मॉडल वर्ब के माध्यम से हम करते हैं अंग्रेजी वाक्यों में. ओके, हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में
24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं और आउट ऑफ 24 में 13 मॉडल वर्ब होते हैं। अब आप यहाँ देखोगे भी ये तो प्रेजेंट फॉर्म में ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये पास्ट फॉर्म में होते हैं, ये सब आप मिला के देखोगे तो 24 है। और जो मैंने रेड कलर में जो टाइप किया है ये सभी क्या है, ये सभी मॉडल वर्ब है। ओके, जैसे प्रेजेंट ये में से ये और हमको सभी को क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होता है और इनका पास्ट फॉर्म वाज वर्ब होता है, तो ये 3, 2, 5 हो गए। हैज और है वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इनका दोनों का पास्ट टेंस हैड होता है। ओके, डू डज प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, आपने टेंस में सीखा था, उसका पास्ट टेंस डिड होता है, तो मैंने इनको अलग के लिए, ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म के ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पास्ट टेंस के ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सेल और विल, हालांकि ये फ्यूचर सिंपल में यूज़ होता है लेकिन इनको मैंने प्रेजेंट फॉर्म के रूप में लिखा है। ओके ओके, सो दीज ऑल आर 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 13 मॉडल वर्ब होते हैं। सेल और विल का पास्ट टेंस शुड और वुड होता है, कैन का कूड, मे का माइट, मस्ट प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ होता है, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, ऑट टू प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता, नीड टू प्रेजेंट फॉर्म होता है, इसका पास्ट फॉर्म नहीं होता, डेयर टू, डेयर का मतलब हिम्मत साहस का, इसका भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है, और यूज़ टू ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है पास्ट फॉर्म, और इसका कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता। तो थोड़ा आपको इसकी जानकारी हो तो अच्छा रहता है। ओके, अब तो ये तो बात की हमने भाई कितने मॉडल वर्ब होते हैं इंग्लिश में, वो 13 होते हैं। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स, जो ये मॉडल्स हैं उनकी क्या विशेषताएँ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताओं को बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए बिफोर वी जब हम शुरू करेंगे मॉडल वर्ब। वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर मॉडल, एक चीज़ याद रखिएगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, आई कैन डू इट, तो कैन के बाद ही कैन डू इट, वह कर सकता, यूज शुड ऑबे, शुड के बाद ऑबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो हमेशा याद रखिएगा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं। ओके, वी यूज़ मेन वर्ब विथ मॉडल वर्ब, ये ऊपर वाली बात सेम ही कहा गया कि ये मुख्य मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की मुख्य क्रिया आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसको मुख्य क्रिया बोला जाता है। ओके, देर इज ए नो इफेक्ट ऑफ पर्सन सब्जेक्ट, कोई भी फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, या पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन आई और वी होते हैं, सेकेंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन के अंदर ही सी इट दे होते हैं, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नाम वगैरह हो, नंबर का मतलब कोई भी एक वचन हो, बहुवचन हो, मॉडल के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई कैन डू इट, ही कैन डू इट, सी कैन डू इट, दे कैन डू इट, आई कैन रीड, ही कैन रीड, मोहन कैन रीड, सी कैन, दे कैन रीड, सो देर इज ए नो इफेक्ट ऑफ पर्सन सब्जेक्ट नंबर, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय जेंडर, लिंग का भी कोई, चाहे वो स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता जेंडर के ऊपर। ओके, दे कैन रीड, जैसे यहाँ ही कैन रीड, यू कैन रीड, तो कोई यहाँ फर्क पड़ रहा, नहीं पड़ रहा, सब आगे कैन रीड, कैन रीड, कैन रीड। मॉडल वर्ब्स नेवर यूज अलोन ऑफ और फॉलो मेन वर्ब, अब ये भी बोलते हैं कई बार हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इसमें अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये कहा जाता है कि मॉडल वर्ब को खाली एक शब्द में कभी नहीं बोलना चाहिए, शुड वुड कुड ऐसे बोल के कोई सेंटेंस उसका मीन्स नहीं होता, या शुड ऑबे तो यू शुड ऑबे, जैसे कोई भी उसके साथ में मेन वर्ब होना जरूरी है। ओके, दे डू नॉट हैव इन्फिनिटिव, इनके साथ इन्फिनिटिव शुड टू, शुड के बाद टू वगैरह, या कोई इन्फिनिटिव का टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता वो नहीं होना, इसके साथ कभी भी पास्ट पार्टिसिपल, व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आता मॉडल वर्ब के बाद में। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन, मॉडल वर्ब का मतलब कितना होता है, अंग्रेजी में कितने मॉडल वर्ब होते हैं, इनकी क्या विशेषताएँ होती है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, दिस फाइनल व्हेन वी फिनिश दिस 2-3 सेशन, आफ्टर 2-3 सेशन आई विल गिव दिस PDF, तो आप PDF में जितना जरूरत है उतना लिखो, मैं थोड़ा माई सेल्फ इज ए गुड इंग्लिश टाइपिस्ट में टाइप कर देता हूँ जो भी मेरे सामने आता है, लेकिन आप उतना डेफिनेशन लिखिए, एक एक दो दो चार चार एग्जाम्पल लिखिए आपकी कॉपी के अंदर, लेकिन ये तो डेफिनेशन उसकी कैरेक्टर से अच्छी चीज़ जो भी लगे, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश तो यू हैव टू राइट, टू ट्राई टू राइट मैक्सिमम, जितना ज़्यादा अंग्रेजी को लिखोगे, बोलोगे, समझोगे, अंग्रेजी आपका अच्छे पे, इंग्लिश इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड,
यू कैन डू बेटर इन योर लाइफ, यू कैन सर्वाइव वेल इन योर लाइफ, ये हमेशा दिमाग में रखो। अंग्रेजी का वेटेज बहुत है आगे की आपकी फ्यूचर की पढ़ाई या आपके हायर एजुकेशन में। ओके, अभी आज हम पहला मॉडल वर्ब शुरू करते हैं, यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? ठीक है, वैसे तो कैन का मतलब सकना, आई कैन डू दिस वर्क, मैं काम कर सकता हूँ, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है, तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस का थोड़ा सा मतलब वर्तमान का बोध करवाता है। तो इसका जो यूज टू एक्सप्रेस क्या चीज़ें व्यक्त करने में, आप कोई काम करने में एबल सक्षम हो, योग्य हो, या आप में एबिलिटी हो, योग्यता हो, कैपेसिटी, आप में क्षमता हो, ठीक है, पोटेंशियलिटी का भी क्षमता को बोलते हैं, ठीक है, आप टू एक्सप्रेस पोटेंशियलिटी, आप कुछ अपनी क्षमता कोई काम करने के लिए एक्सप्रेस करना चाहते हो तो कैन का प्रयोग, पावर, आप में शक्ति हो, स्ट्रेंथ, शक्ति को या क्षमता जो भी है उसके लिए भी आप कर सकते हो। मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, कभी आपने फ्रेंड में परिवार के बीच में आप कोई कैन यू गिव मी योर पेन, कैन गिव मी योर शर्ट, प्लीज़ गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर, तो विद इन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भी कैन से। अभी देखो परीक्षाओं में ऐसे तो नहीं है जो मैन ज़्यादातर एबिलिटी कैपेसिटी के पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार विरोधाभास भी होते हैं, एक जगह दो या तीन मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में भी कैन का प्रयोग क्या है? अब आगे मैंने लिखा पॉसिबिलिटी, लेकिन परीक्षाओं में आपको ऐसा नहीं पूछते, लेकिन इट इंडिकेट थ्योरेटिकली, बट सैद्धांतिक रूप में, मतलब थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप में कोई संभावना नजर आए तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। टू आस्क एंड गिव परमिशन, किसी को, मैंने पहले भी आ गया था यहाँ पे, मैंने मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को किसी को कुछ पूछना या देने के लिए इसका यूज कर सकते। इट इज़ यूज टू स्पीक परमिशन इन द सर्कमस्टेंसेज वेयर सोशल अथॉरिटीज इन्वॉल्व, ये सामाजिक कोई लोग रहते हैं वहाँ पे आप इसका यूज, हालांकि फॉर्मल इसका ज़्यादा कैन का प्रयोग नहीं करते। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफ वन टू फ्रेंड, अभी मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इनफॉर्मल रिक्वेस्ट वगैरह या कोई ऐसे आप पूछता लेना देने का तो किससे करते, फ्रेंड से, या दुकान में कोई आप जाते हो सामान खरीदे वहाँ कर सकते, ऑफिस में भी कभी अपने कलीग्स, व्हाट इज कलीग्स, सहपाठी, जो साथ काम करने वाले, क्या आप ऑफिस में एक साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट के लिए कर, और इन होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट खाना वगैरह खाने जाते हो तो इसका प्रयोग, कैन का प्रयोग कर सकते हो। मैंने हिंदी नहीं लिखा, आपको कहीं भी डाउट है तो आप हिंदी पूछ सकते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में कहीं आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, समझने की आवश्यकता होती है, और आप हिंदी चाहते हो तो हिंदी भी लिखो कहीं पे, मैंने सबकी हिंदी बताया है, और जब स्कूल में आते हो अंडरलाइन करके रखिए घर में कॉपी में, और व्हेन यू कम यू कैन क्लारीफाई योर डाउट। अब जैसे अभी हम कुछ ज़्यादा, मैंने तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल लिखे, मैं दो चार एग्जांपल आपको पढ़ाऊंगा और आई विल जंप टू नेक्स्ट मॉडल वर्ब। ओके, आई कैन डू दिस वर्क, अब यहाँ पे परीक्षा में यहाँ खाली जगह आ जाए, कैन आई डू दिस वर्क, इसमें कैपेसिटी, क्या क्षमता है आप में, तो आप क्षमता है, एबिलिटी है, आप में स्ट्रेंथ है, पावर है, तो वहाँ पे कैन का प्रयोग ही होता है। ही कैन रन फास्ट, उसमें योग्यता है, वो तेज दौड़ सकता है, ही कैन रन फास्ट। रमेश इज़ वेरी रिच, रमेश बहुत धनी है, इसलिए ही कैन बाई ए कार, इसलिए वो कार खरीद सकता है, उसमें एबिलिटी है, पैसे हैं पास में, योग्यता है, ठीक है, तो ही कैन बाई ए कार। अब यहाँ पे और देखो, माई ग्रैंड मदर इज़ ओवर 60, मेरी दादी 60 साल से ऊपर है, बट सी कैन स्टील अभी भी पढ़ सकती है बिना चश्मा, विदाउट ग्लासेस, तो उसमें शारीरिक कभी भी क्षमता है, अच्छा शरीर है, अच्छा खाया पिया होगा उसने, तो मेरी दादी अभी 60 साल से ऊपर है फिर भी वो बिना चश्मे से पढ़ सकती है, तो यहाँ पे देखो कैन ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, कैन। सी कैन ड्राइव ए कार, वे कार को चला सकती है। यू कैन, अब देखो परमिशन दे किसी, यू कैन सीट या तुम यहाँ बैठ सकते हो, क्या आप एक इनफॉर्मली किसी को बोलते हो आप यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सीट हियर नाउ, यू कैन, आप अभी जा सकते हो। सो दिस वे यू कैन मेक ए नंबर ऑफ यूजेज ऑफ कैन, ठीक है, और मैं लास्ट में एक दो और भी यहाँ पे ये समझा देता हूँ, लास्ट में तीन और। आई एम श्योर मैन इज दिस प्रॉब्लम कैन बी सो, अब मैंने कहा था अभी इनका पॉसिबिलिटी, वैसे मे का प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है, लेकिन आप जब आम चो थ्योरेटिकली बात करते हो सैद्धांतिक रूप में तो पॉसिबिलिटी का प्रयोग हो सकता है। आई एम श्योर मैन इज दैट दिस प्रॉब्लम कैन, के ये समस्या हल हो सकती है।
ओके दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड। अब जैसे कोई ब्लॉक का मतलब है जाम हो जाना, तो सड़क पे कई बार ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं, जैम लग जाता है, तो ये इस रोड पे जैम लग सकता है। तो आप ये सैद्धांतिक कोई संभावना व्यक्त करते हो तो द फायर कैन बी डेंजर, आग खतरनाक हो सकती है, ये सैद्धांतिक रूप में संभावना है। अब कांड का प्रयोग हालांकि परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, नॉट अलाउड टू, कांड मतलब उसका नेगेटिव हो गया कैन का, इट इज यूज इन नेगेटिव फॉर्म। जब कैन नॉट के नेगेटिव सेंटेंस बना तो आप नहीं सकते कोई काम, नॉट अलाउ, किसी में अनुमति नहीं देना, किसी को परमिट नहीं करना है, यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते। दिस इज एग्जामिनेशन रूम, ये परीक्षा हॉल है, सो यू कैन नॉट यूज मोबाइल, आप परीक्षा का आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हो। ओके तो दिस वे अभी हम दूसरा मॉडल वर्ब शुरू कर रहे हैं, गुड। तो कैन को आप दोबारा देखिए, कैन में आपको यही है, आप ज़्यादातर ये एबिलिटी कैपेसिटी ये दो का यूज ज़्यादा होता है, या फिर कभी कभी मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में इसका आपके परीक्षाओं में आते हैं। ओके नाउ कैन नॉट ये नेगेटिव फॉर्म होता है कैन का। ओके अब यूज ऑफ कुड, कुड का प्रयोग कहाँ होता है, कुड इज ए मॉडल वर्ब, वेयर वी शुड यूज इट, कहाँ पे हम इसको प्रयोग करना चाहिए, तो ये सबसे पहला पता होना चाहिए, इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये कैन का भूतकाल का रूप होता है। तो जो प्रजेंट में जो कैन का प्रयोग कहाँ हुआ था, प्रजेंट के वाक्यों में, ऐसे ही अभी कोई पास्ट में आप में योग्यता थी, आप में क्षमता थी, आप में स्ट्रेंथ थी, या आपको कोई अनफुलफिल्ड कंडीशन थी, तो वहाँ पे कुड का प्रयोग आप कर सकते हो। तो पास्टेबल मतलब आप कोई भूतकाल में सक्षम थे, भूतकाल में आप में योग्यता थी, भूतकाल में आप में कोई क्षमता थी, आप में पास्ट में कोई पावर और स्ट्रेंथ थी, और ये सबसे बड़ा इसका जो दूसरा जो परीक्षा में कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इट इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, ये तो बहुत अधिक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, कुड यू गिव मी योर पेन, कुड आई यूज़ योर मोबाइल, पोलाइट, पोलाइट का मतलब विनम्र, ऑफन जैसे आप किसी को स्ट्रेंगर जानते नहीं हो, कोई बड़े लोगों बुजुर्ग लोगों के साथ में आप बात करना चाहते हो पोलाइटली, ठीक है, अध्यापक के साथ में, अपने बॉस के साथ में ऑफिस में, या कोई मैनेजर के साथ में काम करना है और आपको कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो आप वाक्य कुड से शुरू करिएगा। कंजुकेंसेस इन द फर्स्ट, कोई भूतकाल में कंजुकेंस कोई परिणाम स्वरूप ऐसी कोई कंजुकेंसेस हुआ तो उसके लिए, और अनफुलफिल्ड कंडीशन जिसको ऐसी हालात जो पूरी नहीं की जा सकती है वहाँ पर भी इसका यूज हो सकता है। रिमोट लाइकलीहुड, रिमोट का मतलब होता है बहुत ही कम, सीण और लाइक संभावना, कभी कभी बहुत ही कम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए लो रिमोट, यहाँ देखो लो रिमोट, ए रिमोट का आएगा सीण, बहुत ही कम कोई ऐसी संभावना, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल देखिए, आई कुड डू दिस वर्क, अब यहाँ पे आप प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हो, आई कुड डू दिस वर्क, कुड मैं इस काम को कर सकता था, कुड पास्ट टेंस में बोला दे, क्योंकि कैन अभी की बात नहीं, कोई जब पहले कभी कोई काम को आप कर सकता है, क्या बोल, आई कुड डू दिस वर्क, पास्ट कैपेसिटी, आई कुड बाई ए कार बिकॉज आई वॉज रिच, अभी यहाँ बोल मैं धनी था, अभी तो आप क्या पता गरीब बन गए कोई वजह से, लेकिन पहले आप धनी थे, आप क्या कर सकते थे, आई कुड बाई ए कार बिकॉज आई वॉज रिच, मैं धनी था, मैं कार खरीद सकता क्योंकि मैं धनी था। अब यहाँ पे देखो पोलाइट रिक्वेस्ट को, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट है, कोई भी बंदा आपसे कुड करके प्रश्न करता है ये मान के चलिए कि वो दादागिरी से नहीं बोल रहा है, बहुत विनम्रता से आपसे बात कर रहा है, तो आप उसको जो मांगे वो दे दो। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेज ए फ्यू ईयर्स बैक, अब यहाँ पे बोल रहा ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले मैं बिना चश्मा से पढ़ सकता लेकिन अभी नहीं, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में कोई आप में योग्यता क्षमता सो शक्ति जो भी थी, ही कुड गो होम, वो घर जा सकता था, आई कुड टीच ही, मैं उसको पढ़ा सकता था, सोवन कुड सिंग ए सॉन्ग, सोवन गाना गा सकता था, तो आपको भूतकाल का मैं यूज कर रहे हो, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार, इन माई चाइल्डहुड, जब मेरे बचपन में नदी के पार तैर लेता था, अभी नहीं, लेकिन अभी नहीं, व्हेन आई वाज यंग, अभी नहीं, आई कुड स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन माय चाइल्डहुड।
अब दूसरा जब आप इसका यूज़ कहाँ होता है देखो कि हालांकि परीक्षा में ऐसे नहीं लेकिन थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब आपको 10th और 12th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता कैन को कुड में बदल देते। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा ही सेड दैट ही कुड रन फास्ट, उसने कहा कि मैं तेज दौड़ सकता था। कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन, ये दो पोलाइट रिक्वेस्ट का फिर आ गया कि आप मुझे अपना पेन दे सकते हो। लैंड का मतलब उधार देना, ठीक है, लैंड कोई चीज़ लेते हो तो उधार देना। ओके, कुड यू लेट मी सी योर फोटो, क्या मैं आपका फ़ोटो देख सकता हूँ। किसी का फोटो देखना है आपको तो कुड के बोलो तो ज़रूर दिखाएगा आपको। ओके, कुड आई यूज़ योर सेल फोन, व्हाट इज़ सेल फोन, मोबाइल को ही सेल फोन बोलते हैं, परमिशन लेने के लिए भी होता है। अभी यहाँ पे देखो रिमोट लाइकलीहुड, ये रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं, रिमोट पॉसिबिलिटी किस में आता है, माइट में आता है। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, अब यहाँ पे कुछ कम बहुत ही कम समझ, यहाँ पे सपोज आप माँ मंदिर से पावटा जा रहे हो और बीच में आपको पता कभी कभी रोड माँ मंदिर और पावटा के बीच में ब्लॉक हो जाती है, तो आप ये बोल दिस रोड कुड बी ब्लॉक्ड, ये रोड कभी भी जाम हो सकती है, मतलब एक थ्योरेटिकल आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो उसमें। ओके, नाउ वी विल गो फॉर मे, आज मे और माइट तक हम पूरा करेंगे मे। अब मे का प्रयोग कहाँ होता है, मे का मतलब भी हिंदी में सकना, कैन का मतलब भी सकना मकल, लेकिन आपको कौन सा मॉडल वर्ब कौन से मूड के अनुसार सेंटेंस में आपकी स्टेट ऑफ मेंटल मानसिक दशा के अनुसार कौन सा शब्द कहाँ पे यूज होता है ये ध्यान देना है। मे का मतलब भी सकना ही होता है, कैन का मतलब, लेकिन यूज़ अलग अलग जगह होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल वर्ब। कभी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, संभावना, प्रोबेबिलिटी, देखो तो अभी तुम्हें दोनों शब्दों में पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम संभावना, लेकिन संभावना भी हो लेकिन कम संभावना, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन पॉसिबिलिटी, या फिर इसका ज़्यादा हो जाता है प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। कभी किसी को आप शुभकामनाएँ देना चाहते हो, किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, आपकी लंबी उम्र हो, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको शुभ आशीर्वाद दे, तो ऐसे में मे का प्रयोग, लेकिन वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी होते हैं, उनके आगे फुल स्टॉप नहीं लगता, वहाँ एक्सक्लेमेशन का निशान लगता है, और सबसे बड़ा यहाँ पे यूज़ होता है इसका। तो याद रखिए यूज ऑफ मे में पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ये परीक्षा में अमूमन आता है बोर्ड के अंदर दसवीं के अंदर। फॉर्मल परमिशन, जो अभी यहाँ औपचारिक परमिशन, आप कहीं ऑफिस में, बैंक में, कहीं और जगह, कहीं कार्यालय में हैं तो परमिशन वगैरह कुछ आस्किंग और गिविंग परमिशन के लिए भाई मे का प्रयोग करिएगा। अलाउड अनुमति, लाइकलीहुड कोई संभावना के लिए, पर्पज उद्देश्य, आप किसी को अभिशाप भी दे सकते, कर्ष कमल अभिशाप। अभी पहले हमने ये कहा था कि भाई किसी को शुभकामनाएँ आशीर्वाद देना, यदि आप किसी को कर्ष का मतलब अभिशाप देना, किसी को साप साप देना चाहते हो तो भी मे यू गो इन हेल, तुम नरक में जाओगे, तो भी इसका प्रयोग मे का कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जांपल, ही मे विन दिस मैच, अब यहाँ पॉसिबिलिटी है, आपको पता है कि भाई मैच चल रहा है, एक आदमी अच्छा खेल रहा है, आपको ये लग रहा है, आपकी मनोदशा ये कह रही है, आपकी इमोशन ये कह रहा है कि भाई, तो आप क्या बोलो, ही मे विन दिस मैच पॉसिबिलिटी। मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, देखो यहाँ पे बैलेंस आशीर्वाद, तुम्हारी लंबी उम्र हो, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाद ये फुल स्टॉप नहीं लगाया, यहाँ एक्सक्लेमेटरी का निशान लगाया, आपकी लंबी उम्र हो। मे आई कम, अभी यह देखो परमिशन लेना, आप क्लास में जब आते हो, टीचर पढ़ाता है, बाहर से आए, अब क्या बोलोगे, मे आई कम इन सर, ये फॉर्मल परमिशन है। यू मे गो होम नाउ, अब आप घर जा सकते हो, अध्यापक बोलता है आपको घर जाना है, यू मे गो होम नाउ, क्योंकि फॉर्मल परमिशन दे रहा है। यू मे रीड नाउ, अब आप पढ़ सकते हो, मे गॉड भगवान आपकी सहायता करे, तो ये भी देखो एक्सक्लेमेटरी निशान है, मे, तो ये प्रश्नवाचक नहीं, मे तो वैसे हेल्पिंग वर्ब होता है या मॉडल वर्ब होता है, पीछे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता तो आप हिंदी क्या होता, मे गॉड हेल्प, क्या भगवान आपकी सहायता कर सकता है, ऐसे नहीं बोलने, लेकिन यहाँ एक्सक्लेमेटरी निशान आने से हिंदी क्या, गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। मे आई बोरो योर पेन, यहाँ देखिए यहाँ पे मे पहले आया तो ये प्रश्न अनुमति का बन गया, मे अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी निशान है, मे आई बोरो योर, क्या मैं आपका पेन ले सकता, अब यहाँ क्या शब्द पहले बोल रहे हो आप, इन कंडीशनल सेंटेंस विथ सो दैट, कोई भी वाक्य के बीच में सो दैट होता है तो आप इसका कुड का प्रयोग, इसका आप मे का प्रयोग कर सकते हो। ओके, सी इज वर्किंग हार्ड,
अब कोई भी लड़की है बहुत अच्छी मेहनत कर रही है बोर्ड की परीक्षा से पहले, तो आप बोलो सो दैट हिंदी होता है इसलिए सी मेट सी मे गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पर आप संभावना जता रहे हो कि उसके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी वो अच्छी पढ़ रही है मेहनत कर रही है तो उसके अच्छे नंबर आएंगे। सी इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट सी मे गेट गुड मार्क्स। देर आर क्लाउड्स इन द स्काई। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी का सेंटेंस है, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बादल है। आप क्या बोल, सो इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। अभी बादल नहीं होते तो वर्षा थोड़ी बोलोगे मे नहीं आता या माइट आता, लेकिन देर आर क्लाउड्स इन द स्काई सो इट मे रेन टूडे, इसे आज वर्षा हो सकती है। ओके इट मे रेन टूडे। अब कभी कभी आप ऐसे भी बोल सकते हो, अभी क्लाउड्स नहीं बोला आपने, आपको ऐसे ही आप जब फॉर्मल बात करते हो फ्रेंड्स के साथ, इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, कल वर्षा हो सकती है, आज ऐसा मौसम लग रहा है भाई, पहले से प्रेडिक्शन भविष्यवाणी की मौसम विभाग ने, तो आप बोल भाई कल भी वर्षा। पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी भी है और साथ में क्या है अनसर्टेनिटी, जरूरी नहीं वर्षा हो आप कल के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप संभावना भी, जब कभी भी संभावना भी हो और अनिश्चितता भी हो, अनसर्टेनिटी का अनिश्चितता हो तो तब भी आप इट मे का प्रयोग कर सकते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं सो दैट दे मे लर्न थिंग्स, इसलिए जाते हैं पर्पज उद्देश्य के लिए, तो बच्चे स्कूल जाते हैं कि वो भी कुछ सीखते हैं। यू ईट, आप खाना खाते सो दैट यू मे लिव, आप जिंदा रह सकते हो। ओके मे नॉट, मे नॉट अभी इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया, हालांकि परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आपका इसका यूज करना, यूज फॉर फॉर्मल परमिशन, जब आप परमिशन नहीं देना चाहते हो, ठीक है, तो कभी ज़्यादातर मे नॉट जब परमिशन नहीं के लिए ज़्यादा यूज होता है और तो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं। मैं एक दो एग्जाम्पल, टू डिनाई परमिशन मतलब मना कर, डिनाई का मतलब होता है मना करना। मे आई यूज़ द टॉयलेट, जैसे आप किसी अनजान जगह खड़े हो और वहाँ कोई आपको नौबत आ गई तो आपको किसी से पूछना पड़े, या ऑफिस में खड़े ऐसे, मे आई यूज़ द टॉयलेट, क्या मैं टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूँ। वो बंदा बोल दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, क्या बोले, नो यू मे नॉट, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, और नो यू मे नॉट कम इन, और कोई अंदर जाने के लिए, जैसे आपने बोला कि मे आई कम इन सर, और मैंने मेरा मूड अच्छा नहीं है, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, मैं ये कह सकता नो यू मे नॉट कम इन, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते हो, नो फॉर्मल परमिशन। ओके अब विल स्टॉप हियर, टुमारो विल बी कंटिन्यू विथ माइट। ओके सो आज जो भी मैंने इसको पढ़ाया, यू मे बी हैविंग, आपके पास गाइड्स होगी, कोई भी 10th में 9th 10th 11th में पढ़ते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो, तो ये मैंने कैन का प्रयोग सिखाया, कैन मॉडल वर्ब कहाँ यूज़ होता है, कुड कहाँ होता है और मे का प्रयोग कहाँ होता है, इतने मैंने एग्जांपल इसके अंदर और भी काफ़ी है, उस एग्जांपल को पढ़िए और इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रीड बैक रिवाइज इट, इफ़ एनी डाउट यू कैन कम ऑफ। ओके आप मुझे पूछ सकते हैं। Okay, we'll end here. You'll tomorrow will be continue. Have a nice day. Thank you.